फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज हम बात करेंगे आज के NSE बल्क डील्स डेटा के बारे में और आज किस शेयर्स में क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो आप देख सकते हैं, पहला जो स्टॉक है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी के स्टॉक को लगभग जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी, बड़े इन्वेस्टर है, इन्होंने लगभग 12 लाख शेयर्स 220 के रेट पर खरीदे हैं। दूसरा स्टॉक है कैरियर पॉइंट, इसे सेल किया है एक कंपनी ने लगभग 1 लाख शेयर्स। डीपॉक सेल मार्केटिंग, इस कंपनी में ट्रेडिंग हुई है। और चौथा है इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स, अनुराग चौधरी, इन्होंने लगभग बाय किया है 2,15,00,000 शेयर्स, लगभग 1.27 रुपये के करीब इन्होंने बाय किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंडिया बुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक को लगभग इंडिया बुल्स रियल इस्टेट खुद ने ही बाय किया है, लगभग 27,00,000 शेयर्स 175 के रेट पर। उसके बाद जस्ट डायल में ट्रेडिंग हुई है, क्रॉसलैंड ट्रेडिंग कंपनी और शास्त्र सिक्योरिटीज, इन दो कंपनी ने ट्रेडिंग की है। लेठी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक को बाय किया है दो इन्वेस्टर्स ने, लगभग 66 के रेट पर। पीसी ज्वेलर, इसमें आज काफ़ी मींस दोनों तरफ ट्रेडिंग हुई है, लगभग 114 के रेट पर आया था और हाई 142 का था, तो इसमें 3-4 कंपनी ने ट्रेडिंग की है। क्रॉसलैंड ट्रेडिंग कंपनी, प्योरिटी ट्रेडमैक्स LLP, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज और वैभव स्टॉक एंड डेरिवेटिव्स ब्रोकिंग लिमिटेड। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन, शास्त्र सिक्योरिटीज ने ट्रेडिंग की है। उसके बाद सुमैया लाइफस्टाइल्स, इसके अंदर दो कंपनी ने बाइंग की है लगभग 1717 के रेट पे। उसके बाद श्री वासु लॉजिस्टिक, इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा है लगभग 48 के रेट पर। उसके बाद तिरुमलाई केमिकल्स, इस स्टॉक को ख़रीदा है एक इन्वेस्टर ने लगभग 1224 के रेट पर। उसके बाद वक्रांगी लिमिटेड, इस स्टॉक में भी ट्रेडिंग हुई है, लगभग राहुल दोषी और स्वप्निल मेहता, इन दो लोगों ने बाइंग एंड सेलिंग की है, लगभग क्वांटिटी में की है 36.76 और 37.30 के रेट पर। उसके बाद विकास इकोटेक लिमिटेड, इसमें ट्रेडिंग हुई है लगभग 22 के रेट पर। तो यही आज NSE का बल्क डील्स डेटा है। लगभग PC ज्वेलर्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और इसी के कारण दोनों तरफ ये घुमा है। तो अभी भी बेट लगा रहे हैं इंट्राडे में काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकर, और उसी के कारण जो है काफ़ी लोगों ने शॉर्ट भी कर रखे हैं, उसी के कारण सबसे ज़्यादा मींस प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो आज इतना ही बताना था, चलिए थैंक यू।